इश्तिहादे चुके उनवान तहरीरे वसीला उस हवाले नाल कुरान मजीद फुरकान हमीदी मरूफ आयत मुबारक का जुज तिलावत कर लेता शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू, फरमाया ऐ ईमान वालों, कुरान मजीद में तकरीबन 86 मरतबा अल्लाह करीम ने या अय्युहल्लज़ीन आमनू कह के मैंने और तुम्हें पुकारा। तिलावत फरमाते जिस मुकाम से या युहल्लज़ीन आमनू आ गए उसे ठहर के ते रो के कहते ने लबैक अल्लाहुम्मा लबैक मेरे मालिक मैं हाजिर हूं। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि कुरान मजीद में जिथे या युहल्लज़ीन आमनू आ गए उसका पहला मिसदाक नबी पाक के सहाबा से मौला अली रहमतुल्लाह अलैह सुभान अल्लाह दुनिया हसीन लखे ना मैदान हिसाब मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार हो जाओ, तक्वा इख्तियार कर जाओ, अल्लाह को डर जाओ। इस आयत को बात कर दे, इस हिस्से से तेज जुज कर लिए, एक या अय्युहल्लज़ीन आमनू, दूसरा इत्तकुल्लाह, तीसरा वब्तगु इलैहिल वसीला। आइए थोड़ी थोड़ी गुफ्तगु इन दोनों मुकामात पे करिए तो इंशाल्लाह मौजू मुकम्मल। अल्लाह ईमान वाले
दसना चाहता ईमान वाले हो, मैं चाहता तुम मोमिन भी हो तो मुत्तकी भी हो। हुन मोमिन ईमान लिया के मोमिन के बन गया, मुत्तकी की बन गया, तकवा खाते ना लगा। आइए सुनिए कुरान के तकवा की चीज ना लगा। पढ़िए कुरान, मेरा दिल करता मैं तकरीर कर लो, तबीयत मेरी बड़ी ना साजे, बुखार भी शदीद है, जुकाम मौसमी, मौसम चेंज होने की वजह तो है, फ्लू भी जुकाम भी है, बुखार भी है, खांसी भी काफ़ी है। एक तकरीर उन करके फैसला से तो दवाया हूँ, थोड़ी खिदमत भी हाजिर है, रात भी सब कुछ गुजरी, सारी बातें सुबह भी जाने तो एक बड़ी सुभान अल्लाह होनी है जिन्हें मैं दसना कि तकरीर किमें नहीं सुन लेंगी मैं, इंशाल्लाह उनकी सुना जा सुन। एक बार फिर कोशिश करूँगा। सरकार ने कहना रावल पिंडी आके तो साढ़े को जबरेमी रवाना न करवा जाते हो, तो जड़ा वाले वाले थोड़े को बोल दे नहीं तो आगे भी ज्यादा मामो ना बहुत ना मारो तो चो बोलो सुभान अल्लाह। नहीं थोड़े को सही नहीं बोले जा रहे स्टेज वाले, तो सी शाम ने नहीं बोले अगर कहना ना बोल के दस जो हजूर का जिक्र के बस होता है। जेड़ा जेड़ा हाथ नहीं ना चुकता नाल का बेबी खड़ के चुके जगा के मिला के बोलो सुभान अल्लाह। दीदार करा
अल्लाह ना करे बीमारी आ जाए ना बंदा हाय करके रात गुजार ले सर्दियां दिया लपिया रात इंसान कप्पा मार के गुजार पूरे कुरान च रब ने एक बार भी सौन वाले की तारीफ नहीं की रब ने जो की जागर वाले की तारीफ की बंदे ना मशुरा कर लो जे बढ़ दिए तो फिर रोंद ना मारो तो उच्चा बोलो सुभान अल्लाह आखो बंदा खड़ा करे जरा जिंदा भी है तो जागदा भी है अल्लाह दी रिजा फरमाया अल्लाह दी जिस घर का मालिक घर ना हो उस घर दे सारे नहीं सौंदे इश्क में ख्वाब का ख्याल किसे न लगी आंख जब से आंख लगी अख माही ना लग जाए ना नींद तो फिर नहीं ना आती भाई अख जेड़ा इश्क बंदे की नींद ही ना उड़ा सके वो पता नहीं महबूब रात नहीं मिलते बैठा सबे में राज मेरे जुमले ते गवाह है कि महबूब रात नहीं मिलते अद्धी राती उठ के आख्या यार आ वेख लै तू अजीम मैं नीवा मैं नीवा तू आला मैं नीवा तू उचा मैं नीवा तू अजीम फरमाया मेरी बारगाह च नीवा होके मैं उचा आख्या कर मैं तेन सारे जग तू उचा कर दे जाग कराने मारना ही सौन तेरे दरकार ना उठ जाग कराड़े मार नहीं सौन तेरे दरकार नहीं वह सौना है कबर च इन्ना सौना है किसे जगाना ही नहीं उठे सौ ले इत जा मर्ज वाला दूजा जाग दा यार दा यार एक जाग दा चोर सन खत
ते दूजा जाग दा खास बीमार राती वारिस शाह मियां सब ते सौ वेंदे इक जाग दा परवरदिगार सुभान अल्लाह आपे सानू जागन दा प्रोग्राम दिंदे ने रात दा जागना ते पीर बाबू की फरमांदे ने राती रत्ती नींद ना जा पिंड वाले कहंदे सन आओ बाबा जिहड़ा हाली है बड़ा पक्का है ये सवेरे ही उठता ते जल्दी जल्दी हल चला के ते काम मुका के धुप निकल तो पहले पहले होके आ जाता है। मियां साहब वो मिसाल दे के ना आ जिहड़ा तहज्जुदी अजान वेले पिंड सोता हुंदा ते वो जिहड़े उत्थे नफल पढ़दे हुंदे ने उहनां दी मिसाल दे के फरमांदे ने जिन्ना हल सवेले जुते वो हाली ने राती कत्ता राती तुम्मा राती ताना लावा एक तद जे कबलड़ी पै गई मते मालिक मूल न पावा अल्लाह ने फरमाया थोड़ा जोर लगाओ तो गल वालों बन जाओ
मेरा दिल करता है जी ठंडी जी हवा चलती ना भाई आवाज लै जाए मदीने ते गुंबद दे खिदरा बोसा लैके आखे अखी वेख के आई जी अद्धी रातों रात लंघ गई ते जड़ा वाले अजे भी बुलाओ तुहाडियां उड़ीकां ते कर मदीने बचाओ ते उच्चा बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह ने रिजा फरमाया या अल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह पता लग्या जिन्हें लैके जाना जेड़ा वसीला है ओनू राह दा पता होना चाहिए मैं अर्ज की अल्लाह मेरे लिए हुक्म की अल्लाह फरमा फिरो इल्लाह दौड़ो अल्लाह वल कहीं सब मैं दौड़ पे और पता नहीं अल्लाह किथे है पर मैं तो सा दौड़ लगा दी अल्लाह फरमांदा फिर रुई लल्ला दौड़ो अल्लाह बात अखी दौड़े अखे जाना किधर है फरमा सीधे राह ते आयो सिरात अल मुस्तकीम ओ जड़ा राह जांदा ना सीधा उस राह ते आया जी उस राह ते अच्छा असि सीधे राह ते डोर पे आख्या हुण ते कोई खतरा नहीं फरमाया खतरा है ना या अल्लाह की फरमाया कयामत ते ओ अजल दे दिन मेरा शैतान ने वादा कीता सी ते उन्हें आख्या सी या अल्लाह फबी इज्जतिक लउफियन्नहुम अजमईन ओ जड़ा राह तेरे वाला आना ना मैं उस राह तो बंदे नु अगवा करके इधर उधर लै जाना है ते उन्हें आख्या ला अकरुदन लहुम सिरातक अल मुस्तकीम आ जेडे तेरे वाल सीधे राह ते आने सिरातक अल मुस्तकीम जेडे सीधे राह ते आने ने मैं उन्हें भी भटका देना मैं राह च बह जाना तेरे विच ते तेरे बंदे मैं ते नहीं तेरे तक आउंदे ने अल्लाह परमा तू मेरे बंदे नु मैथों दूर करेगा उन्हें आख्या मैं कुत्ता बन के राह च बह जावांगा कुत्ता बन के राह च बह जाऊंगा तेरे बंदे तेरे तक नहीं आउंदे ने अल्लाह परमा कर लवेगा चल का कर ते मैं सकन लवांगा इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन पर वो जेडे तेरे खालिस बंदे ने ना दरवाजे बंदा बैल दे तू भी डरदा कुत्ता बदया ते बंदा पता की करदा चौधरी जी अगर बाहर आयो ते मैनू अंदर लै जाओ कुत्ता चौधरी को डरदा कुत्ता चौधरी को डरदा बंदा कहता मालिक नो तू बारा ते मेनू ना ला जा अल्लाह फरमाता मेरी राह ते कुत्ता बैठा है शैतान जे मेरे कोल आउणा ही ना किसे उस ना लावे जिदे कोल कुत्ता डरदा सुभान अल्लाह जिदे कोल डरदा किसे ओदे ना ओ कौन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन सुभान हजरत मियां मुहम्मद बख्श को करवा के दियो मुका दी बोले जिदी सुन्नी मां ने उन्हों दरूद दी लोदी ते पा लिया बोले नहीं तो मुर्शिद वाला बोले सुभान अल्लाह आर बेगड़ी नमत लाला फरमा दे हर कोई आंखें
लोग कहते वसीला कितने लिखे भाई कुरान च लिखे है वसीला नमाज़ है। वसीला रोज़ा है। वसीला तो मुराद हज़ ज़कात अमाले साले सखावत है। वो कहते हैं वसीला इबादत है। वसीला रोज़ा है। वसीला तो मुराद हज़ ज़कात अमाले साले सखावत है। वो कहते हैं नेक अमल करो। वसीला बन गया अल्लाह के कुर्ब दा। इबादत ईमान के बाद कीती सी ते तकवा मिलिया भाई इबादत बगैर ते तकवा मिलता ही नहीं ओ ते मैं पहले कुरान दी आयत पढ़िया कि इबादत करिए फिर मुत्तकी बन जाए इबादत वसीला ना ना इबादत बहुत पीछे रह गई है वसीला तो बड़ा अगे गुजर गए अल्लाह फरमा रहे कि इबादत के बाद तकवा फिर वसीला अल्लाह फरमा रहा अजे भी तेन वसीले की लड़ है क्योंकि तेरा ईमान भी जाया हो सकता है तेरी इबादत भी जाया हो सकती है तेरा तकवा भी जाया हो सकता है तो जे सारिया चीज़ा बचा ही ना तो अल्लाह फरमा फिर वसीले मुरीद बना लो मैं पैर क्यों 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 दाता साहब बाबा फरीद चूरा शरीफ क्यों अलीपुर सैयद क्यों जाते कहते ने रब उन्हें पीरों का बहुत रब है साडा रब चला ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه اللہ فرماندا آ جڑے ولی نے انہاں تے میرے فرشتے رحمت لا کے نازل ہوندے نے ماں بھی کو رحمت دے سٹیشن بنائے نے جے لینی ہے تے اوتھے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا رحمت دی سٹیشن تے آ اللہ دے نبی حضرت ہود علیہ السلام دی قوم تے عذاب آونا سی نا جدو آندھی تے طوفان دا عذاب تے نبی نے عرض کیتی یا اللہ چلو کافنا تے تے عذاب آوے گا تے اینی دن رات محنت کر کے آ جڑے تھوڑے جے میں بنائے نے امتی تے مومن انہاں دا کی بنے گا اللہ فرمایا انہاں نو کھڑا کر لو اللہ دے نبی ہود علیہ السلام نے کھڑا کیتا اللہ فرمایا انج کرو انہاں تے ارد گرد نہ اے اس طرح کر کے اک لکیر لا کے تے دائرہ بنا دیو अल्लाह के नबी उम्मतियां खड़ा करके लकीर का दायरा बना दिता जमीन एक खत खिंच दिता जिन्होंने सूफिया की जबान च हिसार कहें जेडे वज़ाइफ पढ़ने वाले उन्होंने जबान च पंजाबी च कड़ा भी कहें बाबा जी ने लकीर ला के ना इस तरह करके हिसार कर दिता उम्मतियां फरमाया ए लकीर के बाहर नहीं आने
तूफान आ गया। इतनी तेज आंधी ते तूफान आया कि काफिर उस हवा नाल उड़ के पहाड़ा नाल टकरा के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो जड़े नबी दे दायरे दे विच खड़े वो इस तरह करके ना पत्थे तो पसीना पे साफ कर दाता साहब ते बाबे फरीद ते चूड़ा शरीफ नहीं जाते सानू पता बचदा होगी जिहड़ा इन्हां दे दायरे ते बकरियां करके लकीर के दायरा लगा देना ते आप जुमा पढ़ चले जाना। जब जुमा पढ़ के बाबा जी ने आना ना ते शेर लकीर के बाहर बैठा होना। बकरियां लकीर दे बाहर आउंदियां ते ना शेर अंदर जांदा है। हाय क्या बाबे दी लकीर है। आ वजह है कि मुर्शिद दा जदों मुरीद आ जाए ना मुर्शिद दी बारगाह विच ते मुर्शिद अपने मरीद मुरीद दे इर्द गिर्द इस तरह करके अपनी कर्म दी निकाह दा इसार कर देंदा है ना नफ्स गुनाह करान उस लकीर तो बाहर जा सकदा है ते ना शैतान गुनाह करान अंदर आ सकदा है। इस वास्ते मुर्शिद दी बारगाह चुप रवे पर मुर्शिद वाला तो बोले सुभान अल्लाह। सुल्तान उम्दतुल कामिलीन कुतुबुल मुकम्मलीन एदा ही रंग पेश फरमाया आबिर जा फरमा दे मुर्शिद कोई आके आसी साहब माइक की कसम से चुके जी। मैं कहूंगा क्यों
कैसी साहब स्टैंड की कसम चुको मैं नहीं कर झूठा मग कोई आखे ये मेम्बर रसोले ना कोई आम कुर्सी होती तो कोई आता असी साहब कुर्सी की कसम चुको तो मैं कहना भी क्यों चुको क्यों असी दुनियादार आम चीज़ की कसम नहीं चुको असी या अल्लाह की कसम चुकने तो या कलाम अल्लाह की कसम चुक सच्ची दस के असी आम चीज की कसम नहीं चुकते किसी खास की चुकने ते जिदी कसम ही रब चुके फरमाया इहो घोड़े ने जिन्हां ते बैठ के मुहम्मद दे सहाबा जिहाद करन जांदे अर्ज़ कीती अल्लाह है ते घोड़ा ही ना है ते जानवर ही ना जे तू रब हो के घोड़े ते पैर दी धूड़ दी कसम चुकना अल्लाह ने रिजा फरमाया अल्लाह दिया की दबा मैं तेन कुरान चो वसीला सुनावा पढ़ा कुरान बोले ही नहीं सुभान अल्लाह पिछले भी सारे हाथ चुको अपना भी नाल दादा भैया जब मैं सिर्फ कुरान सुना रहा हदीस वाले पेंड में जाऊंगा अल्लाह ने रिजा फरमाया मुहम्मद नबी आखिरी नबी हाँ यहूदी कह लगे असि तो तेनों नहीं जानते सानू तो तेरा नहीं पता हालांकि किताबां च भी पढ़िया वसीले भी पाते रहे अल्लाह फरमाया मेरे यार का ना लैके वसीले पा के दुआवां कबूल कराते रहे हूँ मेरा यार आ गया मा अरफू कफरू भी ही पहचानते भी नहीं कुफर भी कर दो अल्लाह फरमाए लानत अल्लाह अल काफिर इना ते बोल जो गला खराब हो जाए सुबह घर वाले पूछ की होया ते आखे राती नबी पाक दा मिला संदूक नु सामने रख के ना अर्ज कर देने या अल्लाह तेनो ए संदूक दा वास्ता पुत्र दे दे अल्लाह पुत्र दे दे संदूक सामने रख के ते अर्ज कर देने या अल्लाह संदूक दा वास्ता ही सानू कौमे अमालका नाल चल कर जल्या ते फतह दे अल्लाह फतह दे दे फिर संदूक सामने रख के अर्ज कर देने या अल्लाह बारिश नाज़िल फरमा अल्लाह बारिश नाज़िल फरमा जो मांगते ने रब ओ ही दे दे जब तक इस
صدوق بن اسرائیل کو ریا انی فضلتکم علی العالمین تاج ند سر دریا پورے عالمین دے سردار رہے جب بادشاہ آیا نا پخت نصر انہیں انہاں کولے صدوق کھو کے زمین چ کدھرے دفن کر دیتا یہودی پوری دنیا چ ذلیل اج بھی یہودی صندوق پہ ڈھونڈتے ہیں کدے وہ صندوق مل جائے نا قدر حضرات اللہ نے صندوق دا ذکر کے میں فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس صندوق دے اندر میں انہاں دے دلاں دا سکون رکھیا دلاں دا سکون رکھیا انہوں تابوت سکینہ کیا جا اہل علم حضرات تشریف فرما رہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس صندوق دے اندر مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ اللہ فرمانا اودے وچ موسیٰ تے ہارون دی آل دا ترکا سی ایک ترکے تو کی مراد کی علماء نے فرمایا اودے وچ حضرت موسیٰ دی جتیاں سن حضرت موسیٰ دے چھوٹے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دا امامہ شریف منو سلوا دے ٹکڑے سن تے کچھ تورات دی تختیاں سن تے اللہ نے قران چ فرمایا تحمل ہول ملائکہ اللہ فرماتا ہے ان فرشتے موڑیاں تے چک کے پھر دے سن او جیدے ویچ موسیٰ دیا جتیاں ہون او دے وسیلے نہ دعاواں میں قبول ہوندی ہیں کہ تحمل ہول ملائکہ اللہ قران چ فرماتا ان موڑیاں تے چک کے پھر دے نے فرشتے موڑے تے چوکے پھر دے نے تے میں تے گل انہاں دے وسیلے دی پیا کرنا جنہاں نو کملی والے موڑے تے چوکے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 جتے وچ موسیٰ دیاں جتیاں ہن فرشتے موڑے تے چک دے تے جڑے حسین تے حسن نو کملی والے موڑے سبحان اللہ جڑے سیدنا میرا نبی موڑے تے چوکے پھر دا جڑے انہاں دی آل ہون دسو انہاں دے وسیلے پورے نہیں ہوتے جتے وچ موسیٰ دیاں جتیاں ہون قران کہندا او دے صدقے تے دعاواں قبول ہون تے جڑی خبر چ ولی آپ ہی لے ٹیا ہوے سبحان اللہ بولے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی جتے جتیاں نال وسیلے پورے ہوندے نے تے جتھے جتی والا بابا آپ لے ٹیا ہے قبر دے وسیلے نہ پہ دعاواں نہیں قبول ہوندی اسی کوئی پاگل تے نہیں نا کہ قبر پرستا کہ اسی ایویں قبراں تے جے ساری قبراں تے جاندے ہوئیے تے اسی سارے تے جائیے پر اسی انہاں تے جاندے ہاں اللہ تے کئی ویلی کہندے ہیں کوئی مردیاں کول ٹر جاندے ہیں وہ بھلا چلیا اسی کوئی چلیا مردیاں کول جائیے نا نا حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے دا تاجدار سبحان اللہ ایک دن گولڑا شریف دے ریلوے سٹیشن تے صبح صبح مارننگ واک پہ کر دے صبح دی سیر کر رہے نال بابا جی تسبیح پڑھ دے جا رہے انگریز دا دور حکومت سی انگریز بندوق پکڑی تے شکار کرن نکلیا انگریز نے جدوں بابا جی دے ہاتھ وچ تسبیح ویکھی نا تے پہلی بار انگریز نے تسبیح ویکھی اونوں سمجھ نہ آئی کی ہے ہاتھ وچ پکڑ کے کہندے بابا جی اے کی ہے آپ دی بندوق وال اشارہ کر کے فرماندے اے کی ہے وہ کہندا میرا ہتھیار ہے تے بابا جی تسبیح وکھا کے فرماندے نے اے میرا ہتھیار ہے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے مردیاں کول نہیں جاندے اسی انہاں کول جاندے جڑے مردے زندہ کر دے او جڑے دل مردے زندہ کر دے دے آرتھ گڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ولی اللہ دے
वली अल्लाह दे मरदे हाथ खड़े करो सारे जड़े जड़े चलो हम हाथ चुक के बोलो मैं कुछ नहीं कहना थोड़ा जोर भी लगाओ तो उच्चा बोलो सुभान अल्लाह मैं लड़ान नहीं आया मैं अल्लाह ताला तुहाडा सलूक सलामत रखे तुसी सलूक ना मैनूं सुभान अल्लाह बोल के वखाई اللہ قرآن فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل یا ایھا الناس اللہ بار بار فرماتا ہے محبوب بولو بولو میرے محبوب بولو اچھا آؤ نا رل کے اللہ نو عرض کریے تو رب ساڈا نے تے ساڈے نال ڈائریکٹ گل کر کل ساڈے نال کرنی ہندی تے کہندا محبوب نے تسی انہاں نو ذرا کہہ دیو اک قول محبوب ذرا انہاں نو کہو اللہ اک ہی ہے रब मेरे ते अल्लाह वसीला मुहम्मद दे बगैर गल नहीं करदा ते मेरी तेरी गल रब नाल किवें बगैर वसीले दे हो सकदी अल्लाह साडे नाल ते वसीले नाल गल करे ते असी रब नाल किवें डायरेक्ट कहंदे ने डायरेक्ट जाना चाहिदा रब कोल डायरेक्ट नहीं ओ आप कहंदे वसीला लेके आ वसीला लेके आदम अलैहि सलाम आए ना दुनिया ते इमाम इब्ने कसीर ने लिखा जब आदम अलैहि सलाम दुनिया ते आए ते आपने सजदे च सिर रखिया ते रोई जा रहे रोई जा रहे रोई जा रहे एक दो तीन चार पांच साल नहीं 350 साल आदम अलैहि सलाम सजदे च रोए 350 साल इतना रोए कि आपके आंसुआ दे नाल जंगल च पानी दा नाला टुर गया परिंदिया ने आके पानी पीना ते एक दूसरे नूं कहना वाह भैया ते बड़ा मिठा पानी आदम की चीख निकल जानी रो के कहना हूं तो माफ कर दे मैं परिंदे ते जानवर मजाक कर दे अल्लाह फरमाया आदम फरिश्ते जानवर तेन मजाक नहीं कर दे जो मेरे खौफ च रोवे वो पत्थर भी बैठे कश्मीर जाओ ना पहाड़ी इलाके ते गौर कीता जे कदे पहाड़ा चो पत्थर चो पानी दे चश्मे निकल है ना अल्लाह फरमाता है सुम्मा कसत कुलूबकुम बाद ذلك فهي قل حجارتي او اشد قسوا अल्लाह फरमाता है पत्थर उच ते पानी निकल आवे ते ओ किड्डा पत्थर है ओ जदी अख चो रब दे खौफ दा हथरो ही ना निकल सुभान अल्लाह ओ किड्डा पत्थर है जेड़ा रोवे ही ना अख च हथरो ही ना आवे खशियत दी रा पत्थर ते रोवे ते बंदा रोवे ही ना
وہ پتھر نال بھی سخت ہے. تو گرامی قدر حضرات آدم علیہ السلام آئے تو روئے تو پتہ لگا آدم دا پتر ہو یہ جڑا رو پے غلطی کر کے نہ تے رو تیرے
कमली वाले दी बारगाह च आके माशर दे मैदान च सारे कहना ना दुखड़े सुनाया पन दी है ना नीर बगाया पन दी है ना नीर बगाया पन दी है ना दुखड़े सुनाया पन दी है हजरत इब्राहिम नूं टोड़दे हजार साल फिर लग जाएगा। इब्राहिम को सारिया उम्मतां नबी भी कट्ठे होके कहिंदे तरफ सिफारिश करिया जे अल्लाह दी बारगाह आपने फरमाना ना ना मैनूं अपनी पई है क्यों किसी होर को जाओ तो तुहानू क्यों अपनी पई। पर मैं रब नूं आख्या सी चंगे चंगे मेरे ते मंदे मंदे तेरे ते जे रब ने आख्या अज मंदे नाल क्यों आए सिफारिश कर दो कहना ना भाई ना मैनू अपनी पई है हजूर क्यों आपने परमाना मैं भी रब नूं आख्या सी अल्लाह चंगे चंगे मेरे ते मंदे मंदे तेरे कमली वाले दी बारगाह च आके माशर दे मैदान च सारे कहना ना दुखड़े सुनाया पन दी है ना नीर बगाया पन दी है ना नीर बगाया पन दी है ना दुखड़े सुनाया पन दी है लगता
मार बड़ी पैनी कद अज बचाओ चाचू थोड़ा जा डांट के बचन कहते चल अगू ना इंज करी अज मैं तेन बचा लेना मेरे पिछे पिछे आ जा कयामत जाना ना सारे रब कहना सोने तेरा थोड़ा जा पिछे मैं इन्होंने छड़ना नहीं इन्हें गुनाह बड़े किते मेरे नबी रोके कहना मैं समझा के लाया अगू नहीं कर रहा बकरियां चारे ना शाम का वेला एक बकरी इजड़ चो बिछड़ गई जेड़ी बकरी इजड़ो बिछड़ी वह बगियाड़ा चो गई बकरी कह लगी ओ सूरज वाल वेख बगियार सूरज वाल वेख्या कह लगा सूरज पै डुबदा है डीकर का वेला हो गया डीकर ते दिन गया मुहम्मद औड़क नो डुब जाना कह लगा बस डीकर का वेला हो गया तो डुबन वाला दिन तो शाम हो चली तो मेरा पैन लगे तो डुब के दो मैं मर चलिया तो मैं रोना तू क्यों हंस नहीं है बकरी कह लगी है थोड़ी देर माली बाग दी राखी करदा फल कच्चे माली
ਆਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਫਲ ਖਚੇ ਹੋ ਲਿਆ ਪੱਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਸੱਚੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਮਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਵਾਹ ਪੁੱਤਰਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤਜ਼ਮੀਨ ਲਿਖੀ ਹੱਥ ਕੀ ਲਿਆ ਹੈ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸੀਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਸੀਲੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕਾਇ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪ ਕਦੇ ਮੁਰਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਪਤਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ चाची जी ने बचपन तो मेरे नबी नो पाले जो कबर च रखा वेला तो नबी पाक चाची की कबर चुतर गए कबर खलो के ना चाची की कबर हज़रत फातिमा बिन्त असद मौला अली की अम्मी की कबर च खलो के नबी पाक ने हाथ बुलंद किए अर्ज की।